हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट। यहाँ पे देख लीजिए कि आपका सीट अलॉटमेंट तो रेगुलर मूड वाले का हो गया, लेकिन आज आपको शिक्षा शास्त्री का भी यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट शो कर रहा है। तो अगर आप शिक्षा शास्त्री से हैं और आप करना चाहते हैं, यहाँ पे देख अपना कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट देख सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले इस साइट पर आना होगा। इस साइट पर आकर आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना होगा। उसके बाद क्या करोगे, आप अपना कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस थ्री डॉट पर आप क्लिक करोगे, इस पर। तो क्लिक करने के बावजूद आपको यहाँ पे देखिए दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। क्लिक हेयर टू लॉग इन, मैं आपको टिक करके दिखा देती हूँ। क्लिक हेयर टू द लॉग इन प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑफ द रेगुलर मूड एंड द रजिस्ट्रेशन फॉर द शिक्षा शास्त्री ऑफ द बिहार बीएड कॉम्बाइंड इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कि सीईटी या शिक्षा शास्त्री के लिए भी कॉलेज अलॉटमेंट का लिस्ट जारी हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कृपया कर देख लीजिए। दूसरी बात कि मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने अभी तक फ़ी नहीं जमा किया है तो जल्दी से फ़ी जमा कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी पल भर में कुछ भी बदल सकता है। क्या बदलेगा वो कोई नहीं जानता, ना मैं जानती हूँ ना आप जानते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ धोखा हुआ है। उनके इतने मार्क्स आने के बावजूद भी उनका मार्क्स नहीं, कि उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो अगर अभी तक आपने 3000 रुपीज़ यानी कि 3000 रुपये पे नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग हो चुका है और मैं आपको बहुत दिन पहले से बता रही हूँ कि 3000 रखिए, कभी भी आपका कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आ सकता है। और जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, जिनको उनका मन पसंदीदा कॉलेज मिल गया, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे तरफ से। बहुत ही अच्छा लगा कि आप मेरे साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन बना कर रखे और मैं भी आपके साथ बहुत ही अच्छा बना के रखी। तो चलिए, और जिन लोगों को नहीं मिला है उदास मत होइए, क्योंकि 3000 पे करने वाली यहाँ भी एक लोचा है। आप जितनी जल्दी पे करोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। और बहुत बच्चों के में लिखा हुआ है कि नेक्स्ट काउंसलिंग का मतलब है कि आपको नेक्स्ट काउंसलिंग का भी फिर से कहीं कोई कॉलेज में अगर सीट बचा रहा, बहुत बच्चों ने अपनी सीट नहीं लिया, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपना सीट डिनाय कर देंगे, तो वही सीट उनसे उनके से हटकर आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रहते हैं पटना में, उनको मिल गया है गया, कैसे जाएंगे। तो इस तरीके की सीट सब आपको मिलेगी, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ही। और जिन लोगों ने अभी तक कॉलेज का फ़ी नहीं पेमेंट किया है, फटाफट जाकर कर दीजिए, कि अभी भी साइट बंद हो सकता है, सर्वर बंद हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ, जितना बता रही हूँ उतना कर लीजिए। तो देखिए, वैसे भी ये खेल खेला जा रहा है, 100 नंबर वाले को कोई कॉलेज नहीं दिया, आपको 200 नंबर वाले को भी आपको जो है सो फिर कम यानी कि 60-65 वाले कॉलेज है उन लोगों को मिल गया। अब क्या मतलब कि 150 का एग्जाम, 120 नंबर का एग्जाम में क्या आदमी 120 में 120 लाएगा, 150 में 150 लाएगा। अब ये तो लोचा गलत है। तो खैर देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो वो लोग करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी है, ऐसा हंगामा होने की संभावना है, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। टोटल 84,000 बच्चों ने पास 94,000 बच्चे पास किए थे, ये सही डेटा है। उसके बाद 75,000 से भी अधिक विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करा रखा था। तो इनके साथ अगर धोखा ही करना था तो दोबारा काउंसलिंग क्यों निकाला, ये तो यहाँ तो पहले ही ये लोग बरगला रहे हैं। खैर देखिए क्या हो सकता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको जो कॉलेज मिला है कृपया कर उसे ना छोड़े। अगर आपके मतलब कि आपको पॉसिबल हो कि रखना है तो कृपया कर रख लीजिए। आप बहुत लकी हैं कि आपको कॉलेज मिल गया है, नहीं तो अत्यधिक नंबर मार्क्स लाकर भी बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, वो लोग स्ट्रेस्ड हैं, सोचिए उन लोगों का। और हाँ, जिन लोगों को नहीं कॉलेज पसंद है तो प्लीज़ आप लोग छोड़ दीजिए, किसी बच्चे को मिल जाएगा, ताकि उनका स्ट्रेस थोड़ा दूर हो, क्योंकि बहुत मेहनत से कोई भी बीएड करता है। और आपको तो देख लीजिए, अगर सेकेंड में अलॉटमेंट मिल गया तो सही है, लेकिन आप लोग भी उम्मीद ना रखें। अगर आपको पॉसिबल है तो कृपया कर अपने कॉलेज में जो कॉलेज मिला है उसी कॉलेज से आगे बढ़े और जल्दी से फ़ी पेमेंट कर लीजिए। देखिए, जितनी जल्दी जितने ये होता है ना कि जल्दी से किसी चीज़ को बाजी मार लो तो वो चीज़ आपको मिल जाती है, तो सेम उसी तरीके से। और इधर उधर की बातों पर मत ध्यान दीजिए, आई डोंट केयर अबाउट डैट। इस तरीके का रूल अपनाइए और जल्दी से जाइए, अपना फ़ी पेमेंट कीजिए और कॉलेज में एडमिशन लीजिए और खुश रहिए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक बनता है वो लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो। यूनिवर्सिटी न्यूज अब आता ही होगा, वो देख लीजिए किस यूनिवर्सिटी में एलुमनी ने क्या किया है बीए वालों के साथ, यूजी वालों के साथ, और भी बहुत सारे हैं जो इनका सबका ये
बस इधर से उधर उन लोगों का तो एडमिशन तक रुक गया है। तो आपको मैं यूनिवर्सिटी न्यूज़ में ये सारी बातें बताऊं, क्योंकि ये बीएड के लिए स्पेशली है, तो बीएड के लिए ही मैं बताऊंगी।